नमो विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतल विष्णुदेवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवाय गौरवाण चरण विशेष शून्य हरे कृष्ण प्रभु आम आई ऑडिबल यस प्रभु। ओके स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फिल्मोरा से सीखेंगे वीडियो एडिटिंग। फिल्मोरा को यूज करके वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। फिल्मोरा डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ। एक मतलब एक यूट्यूब यूट्यूब वीडियो का लिंक है, वहाँ पे वो क्राक वर्सन वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे कोई जाकर डाउनलोड कर सकता है। इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं यूट्यूब का। ओके देन अभी डाउनलोड करने के बाद उसको फिल्मोरा को ओपन करना है। बेसिकली मेरा क्राक वर्सन है, ओरिजिनल वर्सन थोड़ा मतलब वो पेड़ है इसलिए। और फिल्मोरा में एडिटिंग करना बहुत सिंपल है, बाकी डाविंची और प्रीमियर प्रो इनके तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस जितने सारे प्रीसेट्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें, प्रीसेट यूज करके एक आदमी कर सकता है एडिटिंग अच्छे से। कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी का जरूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक जितना फंक्शन है सब दिया है इसमें। तो ये वाला फिल्मोरा 9 है, अपडेटेड वर्सन लेटेस्ट वर्सन है इसका। तो जब भी डाउनलोड कर ले वर्सन फिल्मोरा 9 ही डाउनलोड करें, क्योंकि प्रीवियस वाला जो वर्सन है उसमें जो 9 में सब कुछ अपडेटेड मिल गया। तो उसके बाद पहले वाला जो विंडो ओपन होगा इसमें से आपके राइट हैंड साइड में आप प्रीवियसली जो जो प्रोजेक्ट सब बनाए हैं उनका लिस्ट रहेगा। बाकी जैसे कि हम देख सकते हैं प्रीवियसली हम जो जो बनाए हैं उनका सब लिस्ट है। और उसके लेफ्ट हैंड में हमको ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन, जो कि ओपन प्रोजेक्ट एक मिलेगा और न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। ओपन प्रोजेक्ट मतलब अगर पहले से कुछ बनाया हुआ है हमारा तो उसको मतलब हम मतलब इधर से एक्सेस कर सकते हैं। इसको खोलने से डायरेक्ट हमारा हमारा डेस्कटॉप ही खुलेगा। उसके बाद हम जो किसी फाइल में सेव किए होंगे तो प्रोजेक्ट उसमें से उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाद में अभी नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले हमको रेशियो एस्पेक्ट रेशियो को मेंशन करना पड़ेगा कि हम किस रेशियो में बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ रेशियोस है, जैसे कि 16:9 ए नॉर्मल डिफॉल्ट रेशियो रहता है, और यूट्यूब के लिए बाकी जितने भी हम वीडियोज बनाते हैं वो रेशियो 16:9 रेशियो। और इंस्टाग्राम मान लीजिए टिकटॉक में वीडियो बनाना है तो 9:9:16, इंस्टाग्राम में 1:1 जो कि स्क्वायर वाला से रहता है। और बाद में और दो ऑप्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो हम 16:9 रेशियो में यूज करके देखेंगे। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद हमारा हमारा एक विंडो क्रिएट होगा जिसमें से हम अभी एडिटिंग करेंगे। और इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर है यहाँ पे। जैसे कि ऊपर का जो बार है इसको लाइब्रेरी बार बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी है, ऑडियो लाइब्रेरी, टाइटल्स लाइब्रेरी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी है। तो एक एक करके हम फीचर्स देखेंगे। जैसे कि मीडिया लाइब्रेरी क्या होता है कि हमारे जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, हम जितने वीडियोस और फोटोज हम जितने भी एडिट करना चाहेंगे तो इसमें से ला के हम एडिट करेंगे इसी विंडोज में। तो यहाँ पे जो वर्कस्पेस दिख रहा है यहाँ पे हमारा फाइल सब इम्पोर्ट होंगे। जैसे कि हम फाइल यहाँ पे लाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप कंट्रोल आई यूज कर सकते हैं तो आपका पूरा फाइल ओपन हो जाएगा जिसमें से आप जो जो चाहे उसको सिलेक्ट करके ला सकते हैं। तो और एक ऑप्शन है जैसे कि आप इंपोर्ट, इंपोर्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए, यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, यहाँ से आप मीडिया फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है सिंपल जो है, बस यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम भारत का फोटो लाएंगे तो जिस भी फोटो या वीडियो को इंपोर्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको ओपन करेंगे। उसके बाद ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ सारे फोल्डर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मीडिया, मीडिया फोल्डर में यहाँ पे हम करेंटली जो जो फाइल्स हम इंपोर्ट करेंगे वो इस फोल्डर में रहेगा। बाद में सेकेंड में है जो जो इंपोर्टेंट है शेयर मीडिया, शेयर मीडिया को आप क्लिक करके शेयर मीडिया में जो जो हम फाइल्स रखेंगे ये सबके लिए कॉमन होगा। जब भी हम फिल्मोरा ओपन करेंगे तो शेयर मीडिया में जो जो फाइल्स होंगे वो हमेशा रहेंगे वहाँ पे,
इसको बाद में इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसका फायदा ये है कि अगर हम किसी ऐसा मतलब फाइल से जैसे कि लोगोज हो गए, कुछ फोटोज हो गए स्पेसिफिक, तो जो जो फोटोज और लोगोज हमको फ्रिक्वेंटली यूज मतलब हम फ्रिक्वेंटली उसको यूज करते हैं, तो इसको इसमें रख सकते हैं वो सब फाइल्स को, क्योंकि हमको बार बार उसको इम्पोर्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे कलर्स है, कुछ बैकग्राउंड कलर्स और डिफॉल्ट वीडियो कुछ दिया हुआ है, फिर काउंट डाउन करके और सारे वीडियोस दिए हुए हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइल नेक्स्ट में एक ऑप्शन है, रिकॉर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप चाहते हैं आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करना है कि आपका वॉइस रिकॉर्ड करना है इंस्टेंट, कि वेबकैम से आपका कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करके डायरेक्ट यहाँ पे ही अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब मान लीजिए आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन जरूरत नहीं है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, सिर्फ आप इधर से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन, और उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो इम्पोर्ट वर्क स्पेस में आ जाएगा, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ऑडियो जो लाइब्रेरी है यहाँ पे फिल्मोरा के तरफ से ऑडियोज है, जिसको आप कॉपीराइट फ्री ऑडियो है, इसको यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट नहीं लगता है वीडियोज में यूट्यूब में। तो नेक्स्ट में टाइटल्स, टाइटल्स में यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग में जो टाइटल्स एनिमेशन है टेक्स्ट आप कुछ देना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ से बहुत सारे प्रीसेट्स है जिससे आप टाइटल्स दे सकते हैं। बाद में जाके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम सारा ये सब यूज करेंगे फीचर्स। तो अभी के लिए सब टूल्स जान लेते हैं क्या क्या मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हम बेसिकली यूज करते हैं एक एक मीडिया फाइल से दूसरे मीडिया को जाने के लिए। मतलब मान लीजिए आपके पास दो फोटो है, एक फोटो से दूसरे फोटो को जाने का जो बीच का जो टाइम इंटरवल है, वहां पे हम ट्रांजिशन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फोटो है दूसरे फोटो में गया रहा है, एक ट्रांजिशन हो गया, एक फ्लैश ट्रांजिशन है, एक दूसरा ट्रांजिशन हो गया, इसको ट्रांजिशन बोला जाता है। एक फोटो से और एक वीडियो से दूसरे वीडियो जाने के लिए जो मतलब तो बीच का इंटरवल का जो एनिमेशन होता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो फोर्थ में, फिफ्थ में हमारे इफेक्ट्स है, मतलब हम अपने वीडियो या फोटोज के ऊपर कुछ अगर ओवरले करना चाहते हैं कुछ इफेक्ट्स, तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेंस है हमारे बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे एक है पीछे में एक ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स है। यहाँ पे बोके ब्लर है, तो यहाँ पे कुछ लेंस के टाइप में आएगा इफेक्ट्स में। तो इफेक्ट्स में जस्ट सिंपली कुछ अगर हमारे पास वीडियोज या फोटोज है उसके ऊपर ओवरले करना है हमको कुछ, तो उसके लिए ये सब यूज होता है। तो सिक्स में एलिमेंट, एलिमेंट्स में यहाँ पे इसके तरफ से फिल्मोरा के तरफ से कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि इमोजिस है, इसको हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो सर जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इधर से ढूंढ के यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है, लास्ट में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, स्प्लिट स्क्रीन। मान लीजिए आपको आपको कुछ दो या तीन फोटो को आप एक कॉलेज मतलब एक कॉलेज बनाना है, तो उधर आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दो फोटो है आपको एक साथ में ही दिखाना है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट डिजाइन है जिससे आप उसको कर सकते हैं। इसको भी देखेंगे हम एक यूज करके। मैक्सिमम यहाँ पे सिक्स है, एट ए टाइम आप सिक्स ही दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है आप ज़्यादा भी चाहें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि दो दो करके अगर अगर आप दिखाएंगे तो ज़्यादा भी आप दिखा सकते हैं। तो अब हम नीचे जाएंगे हमारे जो नीचे का टाइमलाइन, बाकी ये हो गया हमारा जो इम्पोर्ट करते हैं और जो हमारा लाइब्रेरी मेन्यूज है, लाइब्रेरीज है, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। और उसके बगल वाला जो राइट में है, राइट में जो इसको हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट का इंस्टेंटेनियस जो रिजल्ट है वहां पे दिखाई देंगे। मतलब हम कुछ फोटो अगर एडिटिंग करेंगे, प्रीव्यू यहाँ पे आएगा हमारा में, ये एक्चुअली डिस्प्ले है। तो मान लीजिए हमको एक फोटो को लेके एडिट करना है, बस उसके ऊपर क्लिक करना है, होल्ड करना है, उसको ड्रैग करके टाइमलाइन में ले जाना, और जो बीच का जो टाइमलाइन आ रहा है ये जो पहला फोटो या पहला वीडियो आता है इसको यहाँ पे लगाना है हमको। तो उसके बाद हम हमारा ड्यूरेशन के हिसाब से हम इसको एंड में लेके जाने के बाद कर्सर मॉडिफाई हो जाएगा एक स्प्लिट आरोक से, जिसके ऊपर हम होल्ड करके उसको अगर ड्रैग करेंगे तो इसका ड्यूरेशन हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे जो दिखा रहे यहाँ पे जो बार है इसको टाइमलाइन बोला जाता है,
किसी भी टाइम को टाइम पे हम जाना चाहते हैं तो उस टाइम में हम जा सकते हैं, उस ड्यूरेशन में हम जा सकते हैं और जाके उस पर्टिकुलर उस पॉइंट में क्या मतलब रिजल्ट है उसको देख सकते हैं। अभी हमारा जो ये फोटो है, फोटो हमारा फिट टू स्क्रीन नहीं है, मतलब ये आधा आधा करके आ रहा है, मतलब इसका लेफ्ट में और राइट में ब्लैंक। तो इस फोटो को पूरा जूम करने के लिए एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है, क्रॉप टू फिट। क्रॉप टू फिट अगर मतलब हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉप टू फिट में जाएंगे। क्रॉप टू फिट क्लिक करने के बाद पूरा वो हमारे स्क्रीन के साथ फिट हो जाएगा। अभी मान लीजिए हमारा जो हमारा जो फोर हेड है ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब मान लीजिए हम इसको नीचे लाना चाहते हैं। तो जिस भी हम वीडियो हो जाए या इमेज हो जाए, जिस भी वीडियो है इमेज को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब उसका साइज, उसका रोटेशन और उसका पोजिशन चेंज करना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है बस हमको ऐसे। और यहाँ पे हमको जाना है ये जो तीन तीन एडिट में एडिट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में हम इधर से वो फोटो को रोटेट कर सकते हैं, बोथ एनालॉजिकली एंड न्यूमेरिकली। इसको ड्रा करके भी हम रोटेट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज देख के से हम 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं, तो 90 डिग्री हम देख के इसको रोटेट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर कुछ भी मतलब हमसे अगर मतलब मिस्टेक हो जाता है, उसको अंडू करने के लिए उसके साइड में एक अंडू का ऑप्शन आया, उसके ऊपर क्लिक करना है बस। अगर कुछ भी हमसे मिस्टेक होता है तो वो रिकरेक्ट हो जाएगा। अभी हमको मतलब मान लीजिए हमको फोटो का स्केल मतलब फोटो को जूम करना है, तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है, तो इससे हम उसको स्केल कर सकते हैं। अभी मुझे हमारा फोटो का पोजीशन चेंज करना है, तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लेके यहाँ पे आरो मार्क आ रहा है, हम होल्ड करेंगे, क्लिक प्रेस करके होल्ड करेंगे। लेफ्ट को अगर लेंगे तो वो लेफ्ट को जाएगा, राइट को अगर लेंगे तो राइट को जाएगा। एंड हमारा वाई जो एक्सिस है वो अप एंड डाउन के लिए, बस वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे तो डबल आरो मार्क जब आएगा हम लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे, ऊपर लेंगे तो ऊपर जाएगा, ड्रैग करेंगे माउस को तो वो नीचे आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है। अभी हम अगर कुछ हमसे मिस्टेक हो गया है तो उसको अंडू करने के लिए बस अंडू का वो जो सिंबल है उसको क्लिक करेंगे और अंडू हो जाएगा। अभी हमारा कंसर्न यही है कि जो महाराज का फोटो है उसको हम पोजीशन चेंज कर पोजीशन कैसे चेंज किए किया जाए देखें, और उसको रोटेट कैसे किया जाए देखें। लेकिन अभी हमको जो मतलब जो एरिया वो कवर कर रहा है क्रॉप होने के बाद उसको चेंज करना है, मतलब महाराज का वो जो फोरहेड का जो फोरहेड है वो पूरा नीचे आना चाहिए, और उनका जो चीन है चीन पूरा यहाँ पे आना चाहिए एंड में, मतलब उनका पूरा फेस डिस्प्ले के ऊपर में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी उस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे क्रॉप एंड जूम, और ऑल्ट ऑल्ट प्लस सी भी आप यूज कर सकते हो शॉर्टकट की। तो क्रॉप एंड जूम में जाएंगे। क्रॉप एंड जूम में जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एरिया आ रहा है जिसको हम एडजस्ट करके फोटो कितना एरिया हमारा डिस्प्ले में कवर होगा उसको हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि पूरा उनका फेस उनका पूरा लोटस फेस हमारे डिस्प्ले के ऊपर में आए, तो वो वाला जो एरिया है उनके पूरा फेस के ऊपर रखेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो जैसे कि वो फोटो पूरा हमारा इसके डिस्प्ले के ऊपर आ गया है। अभी एक एक इफेक्ट हम देखे होंगे, जैसे कि हम प्ले करते हैं तो वीडियो चलता है, लेकिन वो फोटो एक मतलब स्टेशनरी इमेज की तरह दिखता है। उसको फोटो को मतलब वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे मतलब इफेक्ट हम यूज करते हैं। जैसे कि एक इफेक्ट है जो कि बेसिकली सब लोग यूज करते हैं, वो है मतलब फोटो जैसे हम प्ले करेंगे वो धीरे 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 जूम होगा या धीरे 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 जूम आउट होगा। इसके लिए हम वही सेम ऑप्शन यूज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रॉप एंड जूम में जाएंगे। क्रॉप एंड जूम में जाने के बाद यहाँ पे पैन एंड जूम है। पैन एंड जूम के जाने के बाद आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का, एक स्काई ब्लू कलर का एक बॉक्स है और एक रेड कलर का एक बॉक्स। तो स्काई ब्लू कलर का जो बॉक्स है, जो बड़ा बॉक्स है, उसमें स्टार लिखा है यहाँ पे,
और रेड ब्लू कलर का जो बॉक्स है उसमें एंड लिखा है, मतलब स्टार्ट का पोजीशन हम इस बॉक्स से दे सकते हैं यहाँ पे, मतलब स्टार्ट हमारा इसी एरिया से होगा, लेकिन जो एंड है एंड के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड का जो एरिया है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे इधर से। और स्पेसिफाई करने से पहले हमको यहाँ पे जो रेशियो है उसको कस्टम से ओरिजिनल रेशियो में लाना होगा, या 16:9, मतलब हमारा वीडियो 16:9 रेशियो में हो रहा है तो इसको 16:9 रेशियो में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 16:9 रेशियो में अगर नहीं रखते तो उसके साइड में ब्लैंक्स आ जाएंगे क्योंकि वो फिट नहीं होगा स्क्रीन में। तो करने के बाद मान लीजिए हम इतना देना चाहते हैं, एंड में हमारा आके इतना में जूम हो, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। तो अभी अगर प्ले करेंगे हम देखेंगे धीरे धीरे महाराज का जो वीडियो है वो धीरे 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 जूम हो रहा है, उनका जो फोटो। तो अभी मान लीजिए हमको हमको किसी भी वीडियो है जिसका कि एक पोर्शन हमको काटना है, मान लीजिए हमको इसी मतलब 12 सेकेंड से, मतलब जिस भी आपका जो जो बार है टाइमलाइन में जिस भी ड्यूरेशन में होगा यहाँ पे आपको वो ड्यूरेशन दिखाई देगा इस साइड में। तो अभी हमारा टाइम जो टाइमलाइन बार है वो 12 सेकेंड पे है, तो 12 सेकेंड से हम 16 सेकेंड तक जो पोर्शन है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। तो हम इसके लिए 10 के ऊपर रखते हैं, और 10 के ऊपर रखने के बाद बीच में जो सीजर का सिंबल आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी एक जो फोटो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, अभी हमको फोटो का एक ही पोर्शन को हमको हटाना है, मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक एक पोर्शन आ गया, इसको हम हटाना है। तो फिर से वहां पे लाके लेके सीजर के जो सिंबल आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी वो एक जो इमेज एक इमेज था वो 3 इमेज में कन्वर्ट हो गया। तो बीच का जो इमेज है इसको हम सिंपली सिंपली वो इमेज को ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है उसको ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल जेड दबा के इसको राइट क्लिक करके डिलीट डिलीट हो जाएगा। अभी मान लीजिए हम अब तो बेसिकली सब चीज हो गया है, और एक ट्रांजिशन देख के देखते हैं, उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कि सारा का सारा जितना भी इफेक्ट है सबको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करेंगे, और उसके बाद एक एग्जैक्ट नॉलेज हो जाएगा कैसे मतलब वीडियो को एडिट करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक इफेक्ट्स देख के देखेंगे, मतलब जो इफेक्ट के बारे में बोले थे कि किसी फोटो या वीडियो के ऊपर में इफेक्ट्स देना, मान लीजिए हम ए वाला इफेक्ट देख के देखते हैं, तो जिस भी इफेक्ट को देना है उसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करना है तो वो दिखाएगा यहाँ पे प्रीव्यू, लेकिन वो अप्लाई अब तक नहीं हुआ, तो उसको अप्लाई करने के लिए वहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करके जो जिस भी फोटो के ऊपर हमको इफेक्ट चाहिए उसके ऊपर लाके ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे अगर प्ले करेंगे हम देख पाएंगे कि नीचे में कुछ अलग ही इफेक्ट क्रिएट हुआ है जो कि इसके वजह से हुआ है, और ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो अभी चलिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें कि सारा का सारा हमको आइडिया आ जाएगा। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसको हम बताया नहीं है, यहाँ पे टाइमलाइन को जूम करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप टाइमलाइन को जूम और जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और इसके लिए और एक शॉर्टकट की है Ctrl+ अगर आप दबाएंगे जूम होगा, Ctrl- अगर दबाएंगे तो माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पे फिट है, मतलब टाइमलाइन में अपना आपका जितना भी सारा डाटा है वो आपके टाइमलाइन में फिट हो जाएंगे, और साइड में म्यूजिक टाइमलाइन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, मतलब म्यूजिक का मतलब किसी भी वीडियो ऑडियो का जो इक्वलाइजर है, मतलब ऑडियो को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, ऑडियो का कुछ पीच या उसका मतलब स्टेबिलाइजेशन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं उसको। कि इस साइड में आप अगर कुछ ऑडियो इंस्टेंटली रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं,
यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको हम बाद में देखेंगे जब हम एक वीडियो ये करेंगे, ये वाला प्री रेंडरिंग प्रीव्यू, प्री रेंडरिंग ऑप्शन है जिसमें से क्या होता है कि आपका जो प्रीव्यू है, अगर हम आप बहुत सारे इफेक्ट्स यूज करेंगे तो आप जब प्ले करेंगे ना वो लैग होगा देखने, वो स्मूथली नहीं चलेगा। तो इसके लिए वो एक प्री रेंडरिंग ऑप्शन दिया गया है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो वो स्मूथ हो जाएगा, जो वीडियो आपका प्ले है वो स्मूथ हो जाएगा, इसको हम देखेंगे अभी। तो अभी हम चलते हैं, एक वीडियो को एडिट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मीडिया में जाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे हम जो भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं इसको पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर करके, मान लीजिए हम इस चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं, दो इन तीन फाइल से ही हम कुछ करना चाहते हैं जिसमें कि हम सारा का सारा मतलब बेसिक सब चीज़ हम कवर कर लेंगे फिल्मोरा का। तो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, मतलब एक एक वीडियो है और पीछे में उसका ग्रीन स्क्रीन है, तो बैकग्राउंड कैसे हटाना है इसको अभी हम उसको देखेंगे। तो एक ग्रीन स्क्रीन को वीडियो को उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करके नीचे आन लाना है टाइमलाइन में। टाइमलाइन के लाने के बाद यहाँ पे वो हमको पूछेगा कि जो वीडियो हम इंपोर्ट किए हैं उसका एक रेजोल्यूशन है और हमारे जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका एक रेजोल्यूशन है। तो वो बोल रहा है कि जो वीडियो का रेजोल्यूशन है उसमें आप रखना चाहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट के रेजोल्यूशन में रखना चाहेंगे। तो हमेशा हम प्रोजेक्ट के रेजोल्यूशन में ही रखते हैं कि वो फिट हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन से। अगर हम उसका रेजोल्यूशन में रखते हैं तो वो फिट नहीं होता है, वो साइड साइड में ब्लैंक आ जाएगा, वो छोटा होके मतलब रह जाएगा। इसलिए उसको करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे कि एक जैसे कि ये वीडियो है यहाँ पे, एक देखते हैं यहाँ पे जो उसका ऑडियो है उसको अगर बढ़ाना या घटाना है, यहाँ से हम उसको बड़ा घटा सकते हैं। एंड जैसे कि देख सकते हैं हमारा साउंड वो काफी कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले जब भी मतलब हम ग्रीन स्क्रीन में काम करते हैं पहले हम उसका बैकग्राउंड को हटाते हैं, उसके बाद जाके मतलब बाकी जो प्रोसेस है उसमें जाते हैं। तो इसको बैकग्राउंड को हटाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे इस जो लोगो है लास्ट सेकेंड सेकेंड लास्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो ग्रीन का जो उसका बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली मतलब वो एलिमिनेट उसको कर लिया है, लेकिन अभी हमको कुछ एडजस्टमेंट करना है। अभी इसको करने के लिए दो ऑप्शन है, जैसे कि हम इसको क्लिक किए डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक किए सेकंड ऑप्शन में, नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो उसका एडिट ऑप्शन है एडिट ऑप्शन में जाएंगे। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे क्रोमा की को एनेबल करेंगे। क्रोमा की को एनेबल करने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन देगा सिलेक्ट कलर करने के लिए, यहाँ पे वो बाय डिफॉल्टली ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी ग्रीन स्क्रीन होते हैं वो मतलब जितने भी बैकग्राउंड को इरेज करने वाले वीडियो होते हैं वो ग्रीन कलर यूज करते हैं क्योंकि ग्रीन कलर इजिली डिस्टिंग्विशेबल है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कुछ और कलर है ग्रीन को छोड़ के, मान लीजिए हमारे पास व्हाइट कलर है कि दूसरा कोई कलर है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके वो वाला कलर को हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक पेन का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेन के ऑप्शन आने के बाद हम जिस भी एरिया का कलर को इरेज करना चाहते हैं, जिस भी कलर मतलब कलर के बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम व्हीकल को ही इरेज करना चाहते हैं तो व्हीकल के कलर के ऊपर क्लिक कर दिए तो वो क्या होगा ना, व्हीकल को ही इरेज कर देगा। तो अभी सिंपली हम जाएंगे हमारे क्रोमा की के हम बैकग्राउंड को मतलब इरेज करना है हमारे ग्रीन स्क्रीन में, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे क्रोमा की के ऊपर। जैसे जैसे वो बाय डिफॉल्टली इतना प्रिसाइजली वो बैकग्राउंड को इरेज नहीं कर सकता है, तो हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम एडजस्ट करके पूरा मतलब बैकग्राउंड को अच्छे से इरेज कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑफसेट, ऑफसेट को हम एडजस्ट करके देखेंगे धीरे धीरे, जैसे हम ऑफसेट कर रहे हैं धीरे धीरे कम्प्लीटली वो जो ग्रीन स्क्रीन है वो मतलब डिलीट हो जा रहा है, मतलब ग्रीन स्क्रीन इरेज हो रहा है। तो टॉलरेंस से हम इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं हमारा जो कॉन्टेंट है उसका डेंसिटी मतलब उसका पिक्सल साइज, यहाँ से हम
मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड नंबर में एज थिकनेस, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है बिसाइड वो ग्रीन स्क्रीन, उसका जो एज है उसको, उसका थिकनेस हम यहाँ से बड़ा हटा सकते हैं। इसको बार बार यूज करने से ये सब मतलब आइडिया आ जाएगा। और एज फिदर मतलब कितना हमको स्मूथनेस चाहिए हमारा एज में, इसको हम यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक अल्फा चैनल है, अल्फा चैनल में जो उसको ऑन करने के बाद हमारा जो भी मतलब पार्ट्स विजिबल होंगे वो व्हाइटिश हो जाएंगे। तो इधर से हम मतलब देख सकते हैं कि कितना एरिया हमारा दिखने वाले हैं, कितना एरिया हमारा इरेज होने वाला है और कितना एरिया हमारा रहने वाला है। इसको ऐसे ही एडजस्ट करके हम उसके बाद जब मतलब हमको डिजायर्ड वो आउटपुट मिल जाएगा उसके बाद हम उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी हमको एक बैकग्राउंड देना है। हम हमारे पास एक वीडियो था, वीडियो का हम वो जो ग्रीन स्क्रीन है उसको हटा दिए है। अभी हमको उसके बैकग्राउंड में एक इमेज देना है, जैसे मेरे पास एक सिटी एक रोड का बैकग्राउंड है, हम इसको ड्रा करेंगे। और जितने भी ग्रीन स्क्रीन है जो बैकग्राउंड है वो हमेशा पीछे में लगता है, मतलब ग्रीन स्क्रीन का हमेशा पीछे में लगता है। जैसे कि इसको इधर लाएंगे, ग्रीन स्क्रीन को ऊपर देंगे और बैकग्राउंड को उसको उसके पीछे में देंगे, और बैकग्राउंड को ड्रा करके उसके साथ मिलाएंगे, मतलब बॉडी जितना ड्यूरेशन है उतना ड्यूरेशन में होगा। और जो बैकग्राउंड है उसको क्रॉप टू फिट कर देंगे। क्रॉप टू फिट करने के बाद अभी हम देखेंगे जो ग्रीन स्क्रीन है वो पूरा हट गया है और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट बचा है। तो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं तो वो ग्रीन स्क्रीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसको जैसे कमा सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाने से हम देख रहे हैं कि वो जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मतलब अच्छा दिख रहा है। पहले वो थोड़ा फेड सा दिख रहा था, मिल जा रहा था बैकग्राउंड से, अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। लेकिन हाँ, ऐसे धीरे धीरे एडजस्ट करने के बाद हमको पता चल जाता है कि क्या मतलब कितना किसको एडजस्ट करना है। तो अब हमारा जो ग्रीन स्क्रीन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमको क्या करना है कि वो पहले स्टार्टिंग में हमको ओपनर एक देना है, मतलब हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कि वीडियो के बारे में वो आगे में क्या आने वाला है। तो स्टार्टिंग में हमेशा हमारा टाइटल्स रहता है, तो उसके लिए हम इस टाइटल्स में जाएंगे और स्क्रोल करेंगे। जिस भी हम टाइटल मतलब जैसा भी हमको स्टाइल चाहिए, मान लीजिए हमको ये स्टाइल चाहिए, तो इसको हम ड्रैग करके स्टार्टिंग में लाएंगे। तो स्टार्टिंग में लाने के लिए इस दो दोनों दोनों जो फाइल से इसको थोड़ा पीछे लेंगे, और ये जो ओपनर है इसको इस यहाँ पे लाएंगे मेन टाइमलाइन में, और यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो जो एडिट का वो ऑप्शन वो आ जाएगा, नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी उसको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। कुछ हमको जो मतलब चाहिए उसको हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। डबल क्लिक करेंगे जो भी हमको लिखना है, और मान लीजिए एक जो बीच का है इसको हम हटाना चाहते हैं, बस सिंपली उसमें क्लिक करके राइट क्लिक करके सिंपली उसको क्लिक करने के बाद फिर उसको इरेज कर देना है, इसको हम हटाना चाहते हैं। और इसको हम उसका ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिस भी पोजिशन में हमको चाहिए वैसे एडजस्ट कर लेंगे। ये सब बेसिक्स है, धीरे धीरे हम करने के बाद हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए यहाँ पे अभी ऐसा देखिएगा सेटिंग से देखिए, और इसका ड्यूरेशन भी है यहाँ से हम क्लिक मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। उसके एंड में जाएंगे, एंड में जाके क्लिक करके इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और हम एडवांस कुछ चाहते हैं तो एडवांस सेटिंग में जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एनिमेशन आएंगे और किस ड्यूरेशन में क्या आना चाहिए, जैसे कि हरे मतलब कब आएगा कृष्णा कब आएगा, यहाँ से उसका ड्यूरेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे करने से पता चल जाता है कि क्या क्या यहाँ पे एनिमेशन वो जो स्टार्टिंग का कैसा एनिमेशन होना चाहिए, इसके वो कैसा है, ऐसा आया ऐसे आएगा।
यहाँ से हम वो एक्स्ट्रा एनिमेशन जो है उसको हम देख सकते हैं, और यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेफ अगर हो सकता है तो हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फोटो अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट का जो फ्रंट है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इसका साइज, इसका फॉर्मेट, बोल्ड करना है कि इटैलिक करना है, यहाँ से हम सब कुछ कर सकते हैं उसका। अब देखेंगे हम सबटाइटल, अभी मेन जो ओपनर है मेन टाइटल हम दे दिए, अभी सबटाइटल देके देखेंगे। सबटाइटल भी वैसा ही है जैसे कि हमारे वीडियो है, यहाँ पे हम एक सबटाइटल देना चाहते हैं, सबटाइटल और लोअर थर्ड जिसको बोलते हैं टेक्निकली, यहाँ पे जो भी आपको डिजाइन पसंद है, तो मान लीजिए हम इसको ही देना चाहते हैं, तो उसको ड्रैग करके नीचे लाना है, नीचे लाना है बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है हम लिखना है स्टंट करके पूछते हैं। तो यहाँ पे बुलोयर था, अभी मान लीजिए इस वीडियो के ऊपर हम और एक फोटो देना चाहते हैं, इसके लिए सिंपली हम जिस भी फोटो को देना चाहते हैं उसको क्लिक करके ऊपर में लाएंगे, ऊपर में लाने के बाद वो जब भी वो ड्यूरेशन आएगा वो फोटो अपेयर होने लगेगा, और इसको हम चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करके और वो डिस्प्ले के ऊपर जाके कॉर्नर से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और जिस भी प्लेस में हमको रखना है हम उधर रख सकते हैं इसको। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे हम प्ले कर रहे हैं तो वो सडनली आ रहा है, कुछ मतलब उसको उसमें कुछ मतलब कुछ ट्रांजिशंस नहीं है, तो इसको ट्रांजिशन देने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्मूथली आए कुछ एनिमेशन होके आए फोटो, तो उसके लिए हम ट्रांजिशंस में जाएंगे, ट्रांजिशन में जो भी ट्रांजिशन हमको पसंद है जैसे कि हमको ये वाला एवापोरेट ट्रांजिशन पसंद है उसके लाके इसके ऊपर जस्ट ओवरले कर देंगे, उसके बाद उसको प्ले करेंगे रिफ्रेश आएगा, मतलब जैसे भी आपको ट्रांजिशन पसंद है जैसे हम उसको कर सकते हैं, इसमें बहुत और बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं। और मान लीजिए हमको और एक फोटो लगाना है उसके साइड में, ये वाला फोटो को दे सकते हैं इधर, इसको भी वैसे कर सकते हैं एक मिडिल में लाके मैच। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन नहीं है, तो यहाँ पे भी हम ट्रांजिशन दे सकते हैं, लाइक ये ट्रांजिशन हो गया, तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। अभी देखेंगे अगर हम दो मतलब यहाँ पे हम एक एक फोटो यूज कर रहे थे, अभी अगर हम चाहते हैं कुछ मतलब दो फोटो यूज करें या तीन फोटो यूज करें कॉलाज के टाइप का, तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन है, यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो है जैसे कि इसको लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वैसे डिजाइन मतलब टाइप्स है, जिसमें बहुत सारे मतलब कैटेगराइज किया हो गया है, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम 6 तो आप दे सकते हैं यहाँ पे 6, और अगर ज्यादा देना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब इसको पहले देंगे उसके बाद और 6 तो देंगे, ऐसे करके आप कर सकते हैं, मतलब अपने मतलब हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसको ही यूज करेंगे बेसिक सा। तो अभी इसको यूज करने के लिए उसके ऊपर हमको डबल क्लिक करना है, थोड़ा यहाँ हो रहा है, उसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे हमको मान लीजिए वो जो फोटो है एक एक नंबर में देना है, सिंपली लेके एक नंबर में रख देना है, और इसको हम एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं डबल क्लिक करके, यहाँ से उसको मूव कर सकते हैं अपने माउस से, और यहाँ से जूम आउट जूम इन ऐसे हम कर सकते हैं, और इस बगल में और एक फोटो चाहिए अगर हमको यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे फोटो के अलावा हम वीडियो भी दे सकते हैं, और वैसे नहीं वीडियो भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, और बहुत सारे टाइप से इसको भी हम यूज कर सकते हैं, और एडवांस ऑप्शन में इसको जूम करना है, इसमें कोई इफेक्ट्स देना है एडवांस ऑप्शन में उसको भी हम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो वीडियो है
बैकग्राउंड है, इसमें हम इफेक्ट्स भी देंगे, मतलब जो इफेक्ट्स मतलब उसके ऊपर कुछ ब्लोर करना है या कुछ अलग ही कलर करना है तो उसको हम जैसे जैसे कि हम ये वाला इफेक्ट इस वाले टाइमलाइन में देंगे, इस वाले मतलब बैकग्राउंड में हम देंगे, यदि वो कलर उसका चेंज हो गया तो यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्लोर का इफेक्ट है, इफेक्ट्स है, लेंस का इफेक्ट है, तो लेंस का इफेक्ट्स देने से कुछ ऐसा बहुत अच्छा दिखता है ये वाला। ऐसे ही हम बहुत कुछ मतलब सिंपल चीज सिंपल है, थोड़ा सा यूज करने से ये वाला हो जाता है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हम कुछ इमोजी देना चाहते हैं और कुछ एरोप्लेन का कुछ फोटो देना चाहते हैं, ये सब PNG है और यहाँ पे हम दे सकते हैं एलिमेंट्स में जाके। सो ये सब तो बेसिक हो गया। अभी मान लीजिए हमको कलर करेक्शन करना है, मतलब जे ए वाला हमको हमारा फोटो है, इसमें इसमें हमको डिफ मतलब हमको अपने हिसाब से यहाँ पे कलर करेक्शन करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, कलर करेक्शन में जाएंगे, उसके बाद कलर करेक्शन का वो टैब ओपन होगा जिसमें कि यहाँ से हम सब देख के हम कलर कर सकते हैं, यहाँ से हमको कैसा चाहिए उसी हिसाब से। इसमें थोड़ा सैचुरेशन थोड़ा कम था, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे, पहले ऐसा था अब वैसा है, तो अपने हिसाब से हम इसको करके यूज कर सकते हैं। और प्रीसेट में वो प्रीवियसली जो मतलब वो अपने ही मतलब फिल्मोरा रहे कुछ फिल्मोरा में सॉरी फिल्मोरा ने कुछ अपने ही ओर से वो कुछ मतलब प्रीस मतलब एडजस्ट करके दिए हैं, तो यहाँ से अगर हम कुछ यूज करना चाहेंगे तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब में मैच करता है, वो बूस्ट कलर अच्छा लगता है वो प्रीसेट, तो यहाँ से हम कलर करेक्शन कर सकते हैं। एंड बस बेसिकली इतना ही है इसमें, और ये सब बेसिक चीजें हैं, और जितने भी सारे ऑप्शन है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, तो इस करके हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे कुछ भी मतलब क्रिएटिव बनाना है। यहाँ पे लास्ट में हम अभी देखेंगे कि यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हमारा कुछ वीडियो चल रहा है, तभी जब हम कुछ हाई क्वालिटी का वीडियो चलाते हैं या कुछ ज्यादा मतलब इफेक्ट्स का मतलब यूज कर लेते हैं तो वो लैग होने लगता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्री रेंडर करके, रेंडर प्रीव्यू करके, इसको अब अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे लिए वो क्या करेगा ना प्रीवियस वो मतलब रेडी कर लेगा फाइल सब जिसको कि जिसके बाद हम उसको मतलब एक स्मूथ हमारे लिए प्रीव्यू होगा और लैग नहीं होगा, चाहे कितने भी आप इफेक्ट्स यूज करेंगे तो और वो बाद में लैग नहीं होगा इसको यूज करने के बाद, जैसे कि यहाँ तक वो कम्प्लीट हो गया रेंडरिंग। अगर जब हम ज़्यादा इफेक्ट्स यूज कर लेते हैं तो प्रोसेसर के हिसाब से वो लैग करने लगता है, इसको यूज करने से वो स्मूथ मतलब प्रीव्यू होगा उससे। देखिए यहाँ तक हमारा प्रीव्यू हो चुका है, यहाँ तक हमारा रेंडर हो चुका है, देखिए अब कैसे पूरा स्मूथ दिख रहा है, लग रहा है कुछ वीडियो चल रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए कितना मतलब ये हो रहा है, कितना लैग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट डाले हैं हम और वो मतलब प्रीव्यू करने में उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम पहले जो रेंडरिंग कर लिए फ्री रेंडर यहाँ पे पूरा स्मूथ चल रहा है इस जो रीजन है ऐसे यहाँ तक, यहाँ पे पूरा लैग हो रहा है, तो इसको हम यूज करके कुछ भी इफेक्ट हम अगर डाल रहे हैं तो इसको हम फ्री रेंडर कर सकते हैं। और मान लीजिए जो जो हाई क्वालिटी के वीडियो होते हैं उनको प्ले करने के वक्त हमको दिक्कत होता है कि मतलब वो हाई क्वालिटी में हमारा प्रीव्यू अच्छे से नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके जो प्लेबैक क्वालिटी का रेशियो है उसको मतलब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि 1/8 हम करना चाहेंगे तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा घट जाएगा लेकिन वो जो स्मूथनेस है वो दिखने को मिलेगा और लैग दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपका क्वालिटी घट गया है। तो यहाँ पे आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं,
आपको जूम करने के बाद कितना क्या आप कर रहे हो उसको देख सकते हैं। बस बेसिकली इतना ही है, और धीरे धीरे यही सब चीजों को हम यूज करके मोस्ट अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हैं। लेकिन हमारे मतलब क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली फीचर्स तो सब यही है, तो आपके लिए इतने में इसको एंड करते हैं। किसी कोई डाउट हो कृष्णा? आशुतोष प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। दोनों प्रणाम जी। हरे कृष्ण। डाउट्स हैं किसी के? धीरे मैंने प्रोजेक्ट धीरे काफी अच्छे करने के से बाद आपके हो समझ आया, जाएगा जी। समझ में आ रहा है प्रभु जी आप जो भी समझा रहे हैं। धीरे धीरे करने, ये सब सिंपल है, फिल्मोरा बहुत सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। धीरे धीरे करने के बाद बहुत सब मतलब हो जाता है ऑटोमेटिक, और इसी ही मतलब यही सिंपल ऑप्शन से हमको मतलब यूज करके कुछ अच्छा सा बनाना है, बाकी और कुछ नहीं। हमारा डिपेंड करता है हमारे क्रिएटिविटी के ऊपर। ठीक है, इसके लिए मतलब यहाँ तक ही रखेंगे इसको। अच्छा, कल्पतरु रोगेश कृपा सिंधु भाई पता नाम पावन देव विष्णु वैद्य नमो। इसको मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ और को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, बाद में कोई देखना चाहे तो देख सकता है इसको।